हमारा भाई हमारे को छोड़ के कहीं ना जाए, और हम लोग ये मंजूर कर ही नहीं सकते कि वो इस्तीफा दे। अगर हमारे रईस भाई गए तो हमारा बहुत बुरा हाल होगा। हमको ये जानना है क्यों पहले दामन करना था, और हमारा भाई क्या कौन सी ऐसी मजबूरी आई कि भाई जा रहे हैं। भिवंडी का माहौल सुबह से ही गर्मा गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे इस वक्त हम कोरोना गार्केट यानी रईस शेख के ऑफिस में मौजूद है। भिवंडी के लोगों को जैसे ही पता चला कि भिवंडी पूर्व के आमदार रईस शेख इस्तीफा देने वाले हैं, जंगल की आग की तरह तेजी से पूरे भिवंडी में फैल गई, और उनके चाहने वाले उनके समर्थक मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है, और उन्होंने खास कर ये चेतावनी दी है कि अगर रईस शेख इस्तीफा देते हैं तो वो रोड पर बैठकर धरना देंगे और इस इस्तीफे को किसी भी तरह रुकवाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि रईस शेख इस्तीफा देते हैं या इन कार्यकर्ताओं की बात सुनकर वो अपना इस्तीफा रोक देते हैं। आइए सुनते हैं जनता ने क्या कहा। रईस भाई हमारे ऐसे मुखिया है कि हम लोगों को आंखों के ऑपरेशन के लिए मैं सारे बार दौड़ी, इसीलिए मेरा सुना नहीं। आज मैं जो तो आंखों से देख रही हूँ, आंखों का ऑपरेशन कराया, हार्ट की दवा दी, मेरे शौहर को मर गए 15 साल हो गए, मैं 1.25 महीने की बच्ची को लेकर दर बदर भटक रही थी। आज भाई ने मेरे को दवाओं का सहारा दिया, हमारे साथ रह करके हाथ रखा, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा सरपरस चला जाए। हम तो यतीम थे ही, अब तो बहुत बड़े यतीम हो जाएगा। हम रिक्वेस्ट ये करते हैं रईस भाई से कि हमारा भाई हमारे को छोड़ के कहीं ना जाए, और हम लोग ये मंजूर कर ही नहीं सकते कि वो इस्तीफा दे। अगर हमारे रईस भाई गए तो हमारा बहुत बुरा हाल होगा। हमको ये जानना है क्यों पहले दामन करना था, और हमारा भाई क्या कौन सी ऐसी मजबूरी आई कि भाई जा रहे हैं। गरीबों के मसीहा बन के आए हैं। आज तक कोई नेता इतना काम नहीं किया जो काम हमारे भाई रईस भाई ने किया है, और हमसे हमारे दिल से ये है कि हमारे भाई इस्तीफा ना दे और हिम्मत करके डट के मुकाबला करें। कौन क्या कहता है वो देखेंगे हम। रईस भाई को हाथ हाथ पैर जोड़ के गिनती कर रही हूँ, वो सामने आए मैं फिर को उनको क्या तकलीफ है, तो तकलीफ क्या वो फरियाद करें हम लोग के सामने, हम उनके लिए जान भी देने को तैयार है। अगर वो हमारा मसीहा है, वो हमारे लिए खुदा है, वो हमारा जितना किए उतना कोई भी नेता नहीं किया, अगर उसने इस्तीफा दिए तो हम भूखे प्यासे रोड पे अपनी जान दे देंगे। देखिए मुझे भी कुछ ऐसा मालूम नहीं है, मैं जब सुबह उठी तो मैं व्हाट्सएप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैंने मैसेज पढ़ा कि रईस शेख मतलब इस पार्टी लेवल से और MLA पद से इस्तीफा दे, तो मुझे ये चीज़ सुन के बहुत बुरा लगा। बुरा लगने के बाद में जब मैं ऑफिस पे आई क्या कन्फर्म करने देखी तो ये सारी पब्लिक वहाँ पर बैठी हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों आए हो, तो इन्होंने कहा मुझे कि हमने ऐसा ऐसा पूरा मैसेज हमने सुना लोगों से के मुंह से के सुना, ये चीज़ बहुत गलत हो रहा मैडम, ये नहीं होना चाहिए। तो फिर मेरी बात हुई तो फिर मैं बोलने लगी कि ये नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो इसके बाद अगर उनका MLA पद का अगर इस्तीफा मंजूर होता है तो हम ये पूरी लेडीज़ों के साथ में रोड पर बैठ के मोर्चा धरना करेंगे कि उनका इस्तीफा ना मंजूर किया।